हे गाइस, माय सेल्फ राज एंड यू आर वाचिंग राज लाइफ। गाइस, आज के इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आया है वेफेयर की तरफ से, एंड ये स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के जो पोकेमोन गो प्लेयर है, ट्रेनर है, और प्लस में इनग्रेस वाले जो है, इनग्रेस जो खेलते हैं उनके लिए है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, आपको, मुझे उम्मीद है कि ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा बेनिफिट साबित होगा अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं गाइस क्या है पूरा पूरा चैलेंज। एक चैलेंज मिल रहा है गाइस, इंडिया में मिलने वाला है, 16 मार्च से चलेगा 26 मार्च तक, ठीक है। वेफेयर का एक चैलेंज है गाइस। तो हमको करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वे स्पॉट को, वे फाइंडर को हमको रिव्यू करना है, नॉमिनेट करना है वेफेयर के थ्रू। अब ये कैसे होगा इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूँगा जल्द ही। तो गाइज, जो इनके, आपको अगर आप 3000 से न्यू, कुछ टीयर रहेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ टीयर रहेंगे, अगर आप उनको कंप्लीट करते हैं, उनसे उन टारगेट उन टीयर पे हम जाते हैं, तो हमको जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा आइटम मिलेंगे पोकेमोन गो में भी और इनग्रेस में भी। तो हमें तो पोकेमोन गो का मेन रूप से देखना है कि करना क्या है। तो एज यू नो दैट गाइस, हमको सबसे पहले लेवल 38 पोकेमोन गो का होना चाहिए। अगर आपका 38 है लेवल, तो आप इजीली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनग्रेस वालों के लिए लेवल 10 होना चाहिए, तो साइन इन कर लेना है सिंपल सा। और सो फर्स्ट ईयर रिवॉर्ड होगा जो गाइस, हम 3000 से ज़्यादा अगर नए वे स्पॉट अप्रूव्ड होते हैं तो पोकेमोन गो में स्मर्गल मिलेगा ज़्यादा स्नैपशॉट लेने पे, यानी इजीली हमको स्मर्गल देखने को मिलेगा। और इंग्रेस में 20 रेजोनेटर्स एंड 20 पावर क्यूब्स एट एजेंट लेवल अप टू लेवल 8 उनको मिलेगा, ठीक है, इंग्रेस का है। तो यार इसको हटाओ, हम सिर्फ पोकेमोन गो की बात करेंगे। टीयर टू रिवॉर्ड है गाइज, 5000 प्लस न्यू वे स्पॉट्स अप्रूव्ड अगर होते हैं तो हमें पहला तो टीयर का जो है वो तो मिलना ही है, स्मर्गल वाला जो स्नैपशॉट रहेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस में हमको एक साइनी मरकररो देखने को मिलेगा गाइज, हमको एक साइनी मरकररो कैच करने का चांस मिल सकता है। इंग्रेस वालों के लिए 3 रेयर हीट सिंक एंड 3 रेयर मल्टी हैक एंड 3 रेयर लिंक AMP मिलेगा। मुझे हकीकत बताओ, मैंने इंग्रेस का भी खेला नहीं, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है क्या होता है, ठीक है। तो टीयर 3 रिवॉर्ड को जो मिलेगा गाइज, 8000 से ज़्यादा अगर वे स्पॉट अप्रूव होते हैं तो ये बेस्ट है। हमको टीयर 1 का भी मिलेगा एंड टीयर 2 भी मिलेगा जो रिवॉर्ड है। प्लस में हमको 2x कैच XP मिलेंगे इवेंट के दौरान में, पोकेमोन अपेयर जितने ज़्यादा होंगे उनको कैच करने पे हमको 2x कैच XP मिलेगा। एंड इंग्रेस वालों के लिए सॉफ्ट बैंक अल्ट्रा लिंक एंड 1 ITO है, तो इंग्रेस का रहने दो। मेन रूप से ये है गाइस कि अगर हमको बस ये है कि इवेंट के दौरान जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नॉमिनेशन को रिव्यू करवाना है। अरे बेइज्जती मारेगा क्या यार ये, ठीक है, एंड रिव्यू करवाना गाइस, क्योंकि उम्मीद है कि अगर ये हम करते हैं तो हमारे इंडिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा पोके स्टॉप या हॉटस्पॉट प्लेस तैयार हो जाए, क्रिएट हो जाएंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि सभी के सभी ट्रेनर इस बात का ध्यान दें, अगर आपका लेवल 38 है तो प्लीज़ ये करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गाइज, हमको इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पोके स्टॉप एंड जिम क्रिएट करवाने हैं, और ये एक बेस्ट मौका है। अभी ये पोलैंड में ख़त्म हुआ है एंड अब इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम ये कर देते गए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये ज़रूर करेंगे, इस इवेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतने गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे एंड नेक्स्ट वीडियो में ऑल्सो। तो बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, एंड लाइक शेयर ज़रूर करना है गाइस, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनर हो सके उनके पास शेयर करना है, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं दोबारा। Under the streetlight, I think I'm so